अगर दाती महाराज के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं करती और उनके खिलाफ जांच नहीं होती और मीडिया में उनका लगातार कवरेज नहीं आता, तो इस बात की पूरी संभावना है कि भैयू महाराज की ज़िंदगी बच जाती। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही दाती महाराज के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ, उसके बाद भैयू महाराज ने टीवी खोलकर देखना शुरू किया और वे इस वीडियो को जिसमें दाती महाराज के खिलाफ कार्रवाई को बताया जा रहा था, लगातार 8 घंटे तक देखते रहे। और 8 घंटे तक देखने के बाद इसी बीच पलक और विनायक दुधाले द्वारा भैयू महाराज को यह धमकी दी गई कि अगर उन्होंने पलक की बात नहीं मानी तो भैयू महाराज को भी दाती महाराज बना दिया जाएगा। भैयू महाराज इसी बात से बेहद तनाव में आ गए थे और विनायक दुधाले लगातार उन पर दबाव बना रहा था कि पलक किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। उसका यह कहना है कि 16 तारीख तक भैयू महाराज को उससे शादी करना ही पड़ेगी और उसके अलावा उसकी डिमांड भी पैसों की बढ़ती ही चली जा रही थी। यही वजह है कि जब भैयू महाराज ने दाती महाराज के प्रकरण को मीडिया पर लगातार देखा तो वे इतना अधिक डर गए कि उन्होंने अपने सर्विस रिवाल्वर से आत्महत्या कर ली। कुल मिलाकर अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि भैयू महाराज को उनके ही सेवादारों और पलक द्वारा षड्यंत्र का शिकार बनाया गया और इतने बड़े राष्ट्र संत को अपना अंत अपने ही हाथों करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।